नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव मंडराल। और चीन में फैल रहा है तेजी से आतंक रहस्यमयी कोरोना वायरस का, और ये वायरस अब चीन में तेजी से फैल रहा है। और अब तक चीन से इसके 25 मौतों की रिपोर्ट सामने आई है और 830 लोग इन्फेक्टेड बताए जा रहे हैं। और चीन में ये रहस्यमयी कोरोना वायरस से सामने आने वाले आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक निमोनिया की स्थिति में 25 मौतें हुई है, जिसमें से मध्य चीन में 24 और उत्तरी चीन में एक मौत हो गई है। अब आपको बता दें कि चीन के 29 क्षेत्रों में कोरोना वायरस की वजह से 830 निमोनिया के मामलों की पुष्टि की गई है। इस खतरनाक कोरोना वायरस के कारण 5 शहरों में आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी हाँ, 5 शहरों में आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, ताकि ये वायरस और इन 5 शहरों के बाहर ना फैल पाए। और इसी वजह से भारत भी चीन पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए, जी हाँ, भारत लगातार अपनी नजर चीन पर बनाए बैठा है, ताकि ये वायरस भारत में ना आ जाए। और आपको एक बात और बता दें कि ये वायरस, अब खतरनाक वायरस चीन से निकलता यूरोप तक पहुंच गया है, और इसी वजह से भारत ने लिए कुछ कदम। और अब भारत लगातार नजर रख रहा है अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल आने वाली फ्लाइट्स पे, ताकि ये वायरस गलती से भी भारत में कदम ना रख सके। अब भारत में आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट में सभी यात्रियों की करी जा रही है जांच। जी हाँ, सभी यात्रियों को थर्मल जांच से गुजरना पड़ रहा है। और अब तक ये बात सामने आई है कि भारत में 60,000 यात्रियों की जांच हुई है, और इनमें से अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया कि इस वायरस ने भारत में रखा हो कदम। जी हाँ, अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि यात्रियों से या बाहर से आने वाली फ्लाइट की वजह से ये वायरस घुसा हो भारत में। पर अब आपको ये बताते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक है और ये है क्या असलियत में। जी हाँ, ये वायरस एक बैक्टीरिया के परिवार से है, और इस वायरस को चीन में अब ये वायरस घुस रहा है पशुओं में भी। जी हाँ, ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ जैसे पशुओं में भी अब ये वायरस घुस रहा है। और इस वायरस के कारण शुरुआती जो लक्षण आप देख सकते हैं वो है खांसी, गले में दर्द, जुखाम और सांस लेने में दिक्कत। जी हाँ, ये शुरुआती लक्षण। अब ये शुरुआती लक्षण धीरे धीरे करके निमोनिया में बदल जाते हैं। निमोनिया, इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन अब तक नहीं बनी है, तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। और ये वायरस गलती से भी भारत में ना आ जाए, भारत लगातार अपनी नजर चीन पे बनाए बैठा है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।